नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो कलकत्ता से फॉर्म अप्लाई किए हैं जितने भी अभ्यर्थी, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर रेलवे बोर्ड पूछता है। तो दोस्तों, ये कोलकाता जोन से जितने भी लोग फॉर्म भरे उनके लिए है। यदि आप किसी दूसरे जोन से फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको अभी जिस जोन से फॉर्म भर रहे हैं उससे संबंधित जितने भी प्रश्न उठते हैं जीएस से, आपको अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पर। इससे पहले आपसे दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारे जो अदर जोन से जितने भी फॉर्म अप्लाई किए गए हैं यदि वीडियो में अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँचता रहे। तो देखिए दोस्तों, ये आरआरबी द्वारा कोलकाता टेंस क्लर्क जो 5/4 का महीना और 1992 में क्वेश्चन जितने भी आए हैं उस शिफ्ट में उस सभी इसमें बताया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है कि नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है। तो द्रोणिका अर्थात बेसिन के नाम से इसे जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में औद्योगिक क्रांति पहले शुरू हुई थी। तो ये इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी बचत किस क्षेत्र में होता है। तो ये घरेलू क्षेत्र में सबसे बड़ी बचत होता है। अगला क्वेश्चन है, हवाला बाज़ार किससे संबंधित है। तो ये हवाला बाज़ार गैर कानूनी विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है। तो ये वित्त मंत्री द्वारा संसद में बजट प्रस्तुत होता है। अगला क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान का केंद्रीय प्रतिपाद क्या है। तो ये राज्य है जो राजनीति विज्ञान का केंद्रीय प्रतिपाद है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का पिता एथम स्मिथ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किस वर्ष काम करना शुरू किया था। तो ये 1975 ईस्वी में ये काम करना शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने अपने अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना था। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना अस्थाई अध्यक्ष चुना था। अगला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम जो ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी इसे हम जानते हैं में कौन सा शासन है। तो इसमें एकात्मक शासन है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के तख्त से राज्य करने वाली पहली एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी। तो ये राजिया सुल्तान, ये दिल्ली की तख्त से राज्य करने वाली मात्र एक महिला थी जो मुस्लिम थी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी। तो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हो ये बाबर और इब्राहिम के बीच हुई थी। तो ये इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का सुंदर उदाहरण है। तो ये चोल कला का सुंदर उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, राजस्व मालगुजारी सुधार शुरू करने में अकबर की सहायता किसने की थी। तो ये टोडरमल ने इसकी सहायता की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पिक सिटी जो जयपुर में है वो किसने स्थापित किया था। तो ये सवाई जय सिंह ने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, पहली बौद्ध जो परिषद कहाँ पर हुई थी। तो ये पहली बौद्ध की परिषद को पूछ रहा है कि कहाँ पर हुई थी। तो ये राजगृह में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हर्ष चरित्र के लेखक कौन है। तो हर्ष चरित्र के लेखक बाण भट्ट है। अगला क्वेश्चन है, आकृति चित्र वाले सिक्के किसने के अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे। तो ये इडो बैक्टेरियन के अध्ययन हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नगर में सबसे बड़ी प्राणी उद्यान है। तो ये कोलकाता में सबसे बड़ी प्राणी उद्यान है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मलयालम किस राज्य की भाषा है। तो ये केरल की भाषा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा नगर अपने उद्यान अर्थात रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये चंडीगढ़ है जो रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दक्षिण भारत की नदियों में से कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। तो ये नर्मदा और जो ताप्ती है ये अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सौगान किस वन का उत्पादन है। तो जो सौगान है ये मानसूनी वन का उत्पादन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में कौन सा राज्य सामान्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये गुजरात का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊँची चोटी कहाँ है। तो ये नेपाल में है जो हिमालय पर्वत की सबसे ऊँची चोटी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है। अब ये हो सकता की बात पूछ रहा है। तो ये पूर्ण चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये असम में स्थित है, असम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में 1 रुपये की करेंसी नोटों पर किसके हस्ताक्षर रहते हैं। तो ये सचिव वित्त मंत्रालय के होते हैं जो 1 रुपये के
करेंसी नोटों पर हस्ताक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो राष्ट्रीय राज्य संख्या 7 है, ये किन दो स्थानों को मिलाता है? तो ये वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करते रहिए। यदि आप किसी अदर जोन से हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपके भी जोन से जितने भी प्रश्न उठते हैं आपको वीडियो में बता दिया जाएगा।